देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा। सुशांत की आत्महत्या नहीं है, तीशा की आत्महत्या नहीं है, दोनों मर्डर है। एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे को जिसने रिया को 44 कॉल किए। 100% करेक्ट, सुशांत वाज किल्ड। रिया चक्रवर्ती के एक्स बॉयफ्रेंड ने बनाई नई गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ नाना पाटेकर को लेकर एक चौंकाने वाली वीडियो सामने निकल के आने के बाद नाना पाटेकर ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है। मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आपको बता दिया जाए कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि रिया के एक एक्स बॉयफ्रेंड ने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है। पहली बात तो रिया के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, अभी फिलहाल ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि करंट में उनका बॉयफ्रेंड कौन है कौन नहीं है ये भी कोई दावा नहीं कर सकता। हाल ही में उनका नाम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ जुड़ा था, पर अब कहा जा रहा है कि उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड रहे थे आशिकी 2 के हीरो जिनका नाम आदित्य रॉय कपूर है। कहा जा रहा है कि आदित्य रॉय कपूर का नाम अब जुड़ चुका है अनन्या पांडे के साथ, और अनन्या पांडे के साथ नाम जुड़ने के बाद रिया को लेकर ये खबर छापी गई कि रिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने बनाई नई गर्लफ्रेंड। और ऐसी खबरें छापने के बाद कहीं ना कहीं लाइमलाइट में मीडिया को लाना ही होता है रिया को, तो कोई भी मामला होगा उसमें आपको रिया का नाम जरूर मीडिया की तरफ से लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और खास करके ये दिखाई भी क्यों ना दे, क्योंकि आखिरकार ये वही मीडिया ने खबर छापी है जिस मीडिया ने रातों रात रिया के लिए एक इंटरव्यू प्लान कर दिया था और एक रिया के लिए बहुत ही बड़ा इंटरव्यू रखा गया था 2020 में। तो यहां पर खबर आदित्य रॉय कपूर की, पर दिखाना है रिया को। और वैसे भी रिया सुशांत केस के बाद बहुत तेजी से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब तेजी से एक्टिव हो रही है, लगातार इंटरव्यू दे रही है, लगातार बातें कर रही है, और लगातार बातें करते करते जहां पर सवाल उठ रहे हैं कि रिया अब बहुत एक्टिव अचानक से कैसे हो गई है, क्योंकि सुशांत केस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चल रहा है और कई सारी चीजें निकल के आ रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और उसी के साथ रिया लगातार इंटरव्यू दे रही है, लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है। अब खुलासे में कितनी सच्चाई है कितने नहीं ये तो वही बता सकती है, पर आपको क्या लगता है कि रिया को लाइमलाइट में लाना क्या इतना जरूरी है कि गर्लफ्रेंड या फिर रिलेशन किसी और का और नाम जरूर सामने रखा जाएगा रिया का हमारी मीडिया के द्वारा। अब आप बता सकते हैं कि भैया ये सब क्यों हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो नाना पाटेकर को लेकर एक चौंकाने वाली वीडियो सामने निकल के आई है, जहां पर दावा होता है कि नाना पाटेकर एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बड़े एक्टर बताए जाते हैं। सिंपल इसलिए क्योंकि अक्सर वो लोग से मिलते हैं, घुल मिल कर मिल जाते हैं, और अक्सर लोग उनसे जब मुलाकात करते हैं तो बहुत खुश होकर आते हैं। पर अचानक से उनकी हाल ही में एक शूटिंग चल रही थी जहां पर एक उनका फैन, एक बच्चा ही कहेंगे, ज़्यादा उम्र नहीं बताई जा रही है उस लड़की की, वो उनसे फोटो खिंचवाने जाते हैं और वो उनको थप्पड़ मार के भगा देते हैं। अब माना कि शूटिंग के बीच में हो सकता है वो लड़का चला गया हो, या फिर कोई शूटिंग का शूट चालू होने वाला हो, बीच में हो चला गया फोटो खिंचवाने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया फोटो बाद में खिंचवा लेना, शूटिंग हो जाए उसके बाद में आइएगा। आप थप्पड़ मार के उसको भगा रहे हो, और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि भैया हमने थप्पड़ नहीं मारा था, अनजाने में पड़ गया क्योंकि हम शूटिंग कर रहे थे, हमको ध्यान नहीं रहा तो हमने उसको साइड करने के लिए बोला। अब ये साफ साफ वीडियो दिखा रही है कि भैया ये साइड करने के लिए तो सिर्फ नहीं बोला गया है, और उसके बाद उनके शायद साइड में जो बॉडीगार्ड थे, उनके बाउंसर थे, उन्होंने भी उस लड़के को इस तरीके से साइड किया। तो कहीं ना कहीं ये बातें दर्शाती हैं कि इंसान जितना भी महान बन जाए पर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी गलती कर देता है जिसके बाद अपने आप में वो सवाल उठवा ही लेता है। और नाना पाटेकर जी एक बड़े एक्टर हैं, पर उन पे भी सवाल कई बार उठे हैं, और एक और सवाल उठ गया कि क्या ऐसा फैन के साथ उनको करना चाहिए, क्या कभी सुशांत ने ऐसा किया था, याद करके बताइएगा कमेंट्स में। मिलेंगे बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।